दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री में यूथ आइकन के नाम से मशहूर अभिनेता टाइगर श्रॉफ आज बॉलीवुड की कितनी बड़ी हस्ती बन चुके हैं, इससे तो सभी अच्छे से वाकिफ हैं। इनकी एक एक फिल्मों का दर्शकों के बीच काफी क्रेज बना रहता है, इसीलिए तो दर्शक इनकी एक्टिंग और डांस मूव्स के बड़े ही दीवाने हैं। और यही वजह है कि टाइगर श्रॉफ दर्शकों को अपने से कनेक्ट करने के लिए अपना हर एक कदम भी फूंक फूंक कर रखते हैं, और किसी भी डिसीजन को लेने से पहले ये कम से कम 100 बार तो जरूर सोचते हैं कि आगे चलकर वो डिसीजन इनके लिए बेस्ट साबित होगा या फिर नहीं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अपने करियर में सभी डिसीजंस को कम से कम सबसे पहले 100 बार सोचने वाले टाइगर श्रॉफ ने साल 2020 में ऐसी 5 बड़ी गलतियां कर दी हैं जो आगे चलकर इनके लिए काफी महंगी भी साबित हुई हैं। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको टाइगर श्रॉफ के उन्हीं 5 बड़ी गलतियों से रूबरू करवाने वाले हैं। तो फिर चलिए, देर किस बात की है, जल्दी से नजर डाल लेते हैं इनकी 5 बड़ी गलतियों पर। नंबर 1, कुली मूवी रिजेक्ट। जी हाँ, इस लिस्ट में टाइगर श्रॉफ ने सबसे बड़ी गलती तब की जब निर्देशक डेविड धवन इन्हें अपनी कुली नंबर 1 फिल्म के लिए साइन कर रहे थे। लेकिन अभिनेता टाइगर श्रॉफ ने इस फिल्म को बड़े ही हल्के में लेकर रिजेक्ट भी कर दिया था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस मूवी को ये अभी हल्के में ले रहे हैं ना, वो आगे चलकर ब्लॉकबस्टर साबित होने वाली है। हालांकि अभी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज तो नहीं हुई है, लेकिन इसके ट्रेलर ने दर्शकों के बीच इतना तहलका मचा दिया है कि जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो ताबड़तोड़ कमाई करने ही वाली है। और यही वजह है कि टाइगर श्रॉफ ने इस फिल्म को रिजेक्ट करके साल 2020 की सबसे बड़ी गलती की है। नंबर 2, रैम्बो मूवी जैसी फ्लॉप मूवी को सिलेक्ट करना। कुली मूवी को रिजेक्ट करके इन्होंने एक गलती तो अपने नाम कर ही ली थी, लेकिन बावजूद इसके जहां इन्हें कदम फूंक फूंक कर फिल्मों को चुनना चाहिए, तो इन्होंने रैम्बो जैसी फ्लॉप फिल्म को सिलेक्ट कर लिया। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रैम्बो मूवी तो हॉलीवुड मूवी थी जिसको फॉरेन कंट्री के साथ साथ भारत के लोगों ने भी देखा था और उतना ही प्यार दिया था। लेकिन एक बार फिर से दर्शक अगर इसके हिंदी रिमेक को देखेंगे ना, तो वही घिसी पिटी कहानी और वही बायोपिक देखी जाएगी। तभी तो ऑडियंस इस फिल्म को बहुत कम रेटिंग्स दे रही है, और इसकी इसी रेटिंग से साफ जाहिर हो रहा है कि ये फिल्म आने वाले वक्त में बहुत ही बड़ी फ्लॉप फिल्म साबित होने वाली है। नंबर 3, एडवर्टाइजमेंट का अच्छा ऑफर ठुकराया। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर इनकी सबसे बड़ी गलती तब हुई जब इन्हें फिल्मों के साथ साथ एक बड़े ब्रांड की कंपनी ओमनीकॉम ग्रुप ने इन्हें अपनी कार का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए 50 करोड़ रुपए चार्ज किए थे, लेकिन उन्होंने इस एडवर्टाइजमेंट को भी ठुकरा दिया। बता दें कि इस एडवर्टाइजमेंट को ठुकरा कर इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि इस विज्ञापन के बाद ओमनीकॉम ग्रुप कंपनी अपने कई और सारे विज्ञापनों के लिए इन्हें हायर करने वाली थी, लेकिन अफसोस, उन्होंने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। नंबर 4, मीडिया में घमंड दिखाया। एडवर्टाइजमेंट्स को ठुकरा कर इन्होंने एक गलती तो कर ही दी थी, लेकिन इसके बाद तो माशाल्लाह इनसे इतनी बड़ी गलती हुई कि जिसके लिए इन्हें नेट यूजर्स ने काफी ट्रॉल तक कर लिया था। बता दें कि जब बागी 3 मूवी का ये प्रमोशन करने आए थे, तो उसी दौरान किसी यूजर ने इनसे कुछ सवाल पूछा, तो उन्होंने मीडिया के सामने उसको एटीट्यूड दिखाते हुए ऐसा करारा जवाब दे दिया कि जिसके चलते पब्लिक के बीच इनकी इमेज ना काफी खराब हो गई थी और लोगों ने इन्हें ट्रॉल करने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। नंबर 5, बहन के साथ फोटोशूट। इस लिस्ट की आखिरी कड़ी में इनकी 5वीं गलती रही जब बहन के साथ इन्होंने हॉट फोटोशूट करवाया। जी हाँ, कुछ समय पहले ही टाइगर श्रॉफ की उनकी बहन के साथ एक फोटो वायरल हुई थी, जहाँ उस फोटो में दोनों वर्कआउट करते हुए नजर आए थे, जहाँ टाइगर श्रॉफ की बॉडी देखते हुए फैंस ने तो जमकर तारीफ की थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इनकी बहन की बॉडी बिल्डर वाली फोटोज देखकर नेट यूजर्स ने काफी भद्दे भद्दे कमेंट्स कर दिए थे। और इसी बीच एक नेट यूजर ने ऐसा कमेंट कर दिया था कि जिसके बाद टाइगर श्रॉफ को काफी ट्रॉल किया जाने लगा। उसने कहा कि इन तस्वीरों को देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि वाकई टाइगर श्रॉफ ने अपनी बहन के साथ फोटो क्लिक करवाई है। उनकी बहन को तो देखकर ऐसा लग रहा है कि उन्होंने किसी बॉडी बिल्डर के साथ फोटो खिंचवाई है। Well, दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इन 5 गलतियों में से टाइगर श्रॉफ की सबसे बड़ी गलती आखिरकार कौन सी रही? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा, और साथ ही साथ बॉलीवुड जगत से जुड़ी ऐसी ही मसालेदार खबरों को लगातार और सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।